आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बरवाड़ी प्रखंड कार्यालय परिसर में JSLPS के माध्यम से लाभुकों को मत्स्य पालन के अंतर्गत मछली जीरा का वितरण किया गया, जिसके तहत महिला सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास किया, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ साथ सबल भी होंगी। JSLPS के अधिकारियों ने बताया कि 1500 रुपए राशि लेकर 2 लाख सपुड़ मछली के लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जो डोभा तालाब तथा अन्य मछली उत्पादन के लिए जगह पर इनका पालन किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में महिलाएं तथा महिला स्वयं सहायता समूह समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आगे बढ़ सके। बरवाड़ी के ऊकामाड़, छिपा दोघर एवं कुचला समेत विभिन्न पंचायतों के 35 लाभुकों को किया गया वितरण। कुमार सावन के साथ बद्री गुप्ता की ब्यूरो रिपोर्ट। मछली पालन के तहत मछली वितरण किया जा रहा है बरवाड़ी ब्लॉक में, जिसमें बरवाड़ी ब्लॉक से 35 लाभुकों को 1500 रुपए लेकर के उनको 2 लाख स्पून दिया जा रहा है अपने लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए। किन किन क्षेत्रों में? बरवाड़ी प्रखंड पूरे क्षेत्र यहाँ दिया जा रहा है। बरवाड़ी में, छिपा दोहर में, उकामाड़ में और कुचला में दिया जा रहा है। चार पांच पंचायत को मिला करके यहाँ पे मछली वितरण किया जा रहा है। 1500 रुपया योगदान राशि लिया जा रहा है और उसमें 2 लाख मछली का स्पून दिया जा रहा है, जो अपनी लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे इस मछली पालन योजना के अंतर्गत। गिरी सदर प्रखंड के कृष्णा मरीक एवं सीताराम मरीक ने सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरी उपायुक्त को आवेदन सौंप कर जांच की मांग की है। आवेदनकर्ता कृष्णा मरीक एवं सीताराम मरीक ने आरोप लगाया है कि पांडे डिगी थाना नंबर 43 खाता नंबर 6 रैती खाते की भूमि है, जिसे वर्तमान अंचल अधिकारी गिरी ने मोटी रकम लेकर मनमाने तरीके से विपिन बिहारी चौधरी के नाम से 10.61 एकड़ जमीन लौटवा रकवा कर ऑनलाइन में एंट्री कर दी है, जबकि खाता नंबर 6 की भूमि पर अन्य रहतों का दखल कब्जा है एवं लगान रसीद पूर्व में निर्धारित की गई है, परंतु अंचल अधिकारी भूमाफियाओं की मिली भगत से अवैध कमाई के चक्कर में उसके ऑनलाइन एंट्री कर दिए हैं, जो जांच का विषय है। कृष्णा मरीक ने पांडेडीही थाना नंबर 43 के खाता नंबर 6 प्लॉट नंबर 381, 382, 383, 391, 392, 393, 352 रकवा 10.61 एकड़ की संदिग्ध जमाबंदी के आधार पर ऑनलाइन एंट्री जांच कर रद्द करने और अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन डिंपल के साथ प्रिंस शाह की रिपोर्ट। पांडे टीम मोजक खाता नंबर 6 प्लॉट नंबर 391, 392, 393, जो हमारे स्पेनी जमीन है, हमारे दादाजी के नाम पर जमीन है, तो शुरू से जो तवाद करते, हमारे बाबूजी भी जो तवाद करते हुए आ रहे थे, जो कि उस जमीन का जब 9 तारीख को हम अपना ऑनलाइन के लिए दिए थे तो मेरा ऑनलाइन नहीं हुआ, और उसके बाद 10 बजे जब चेक कराते तो दूसरे के नाम पर ऑनलाइन हो गया। क्योंकि विपिन बिहारी चौधरी का ना उनको कभी देखे हैं ना कभी उनको सुने थे, अब उसके नाम से हुआ था, हम तो आवेदन दिए हुए इसे DC साहब के पास में आए कि हमारा जमीन को विस्तार से जाँच होना चाहिए। COVID-19 के वायरस को लेकर सावधानी बरतते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, स्वीपर, गार्ड आदि सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, ताकि किसी एक के अफेक्टेड होने पर पूरा हॉस्पिटल बंद हो सकता है। आपको बता दें कि पोर्ट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही बिल्डिंग पर OPD, हॉस्पिटल और ऑफिस एक जगह होने से सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, साथ ही टेक्नीशियन द्वारा सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, स्वीपर द्वारा साफ सफाई की जाती है। इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मृत्युंजय धावड़िया द्वारा ऑफिस के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वर्करों आदि का कोरोना वायरस सैंपल लेकर जांच कराई जा रही है, ताकि सभी सुरक्षित रहें और अस्पताल सुचारू रूप से कार्य करता रहे। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। अभी जैसे मेरा सबसे पहले स्वीपर लोग लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन में सैंपल कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, ड्राइवर जा रहे हैं, फोर्थ ग्रेड के स्टाफ जा रहे हैं, मेरा स्वीपर लोग यहाँ सब कुछ रोज साफ सुथरा कर रहे हैं यहाँ। फिर OPD में जो डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं रहते हैं, वो लोग पेशेंट को देख रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि तो सस्पेक्टेड हो जाता है ना कि कोई ना कोई इसमें इन्फेक्शन लेके आया, सब इन्फेक्टेड हो गया है। तो इसीलिए अब अभी हम जो ये किए हैं कि अभी सबको हम ऑफिस स्टाफ जितना है, स्वास्थ्य कर्मी जितना है, सबको चूँकि एक ही ऑफिस और एक ही हॉस्पिटल है, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, तो सबका जांच करवाना ज़रूरी है, क्योंकि एक भी अगर इन्फेक्टेड हो गया तो पूरा एकदम ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो अभी शुरू कर दिए हैं जांच करवाने का कोविड-19 टेस्ट का, और साथ में हम ये भी बोलेंगे कि जितना मीडिया कर्मी है, पुलिस विभाग का आदमी है, उन लोग का भी हम बोल चुके हैं कि आप लोग आके यहाँ एक बार कम से कम जाँच करवा दें। इसमें ऑफिस के सारे स्टाफ को किया जा रहा है? हाँ, ऑफिस का सारे स्टाफ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑफिस के साथ भी काम पड़ता है। अब छोटा सा हॉस्पिटल है, ऑफिस और हॉस्पिटल और ओपीडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, तो एक आदमी किसी का अगर कुछ हो गया है तो सभी का हो सकता है। इसीलिए टोटल ऑफिस स्टाफ एंड स्वास्थ्यकर्मी जितना है, डॉक्टर जितना है, सबका। अधीक्षक गोड्डा वाईएस रमेश को मिली गुप्त सूचना के निर्देश पर महगामा थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान 5800 किलो जिलेटिन विस्फोटक लोडेड एक ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें 2061 जिलेटिन छड़, प्रत्येक छड़ का वजन 2.78 किलो है, 200 बंडल सिंगल डेटोनेटर, 50 बंडल डबल डेटोनेटर जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा श्री वाई एस रमेश के द्वारा एक टीम गठित कर जब्त किया गया विस्फोटक की जाँच तथा इनसे जुड़े गिरोह का पकड़ने का निर्देश दिया गया है।